नमस्कार, मैं डॉक्टर उद्धव तुकाराम भंडारे, प्रोफेसर चांगुकाना ठाकुर कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय नवीन पनवेल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैं आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य का लगभग 800 साल का इतिहास संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छा लगेगा। सही मात्रा में हिंदी साहित्य के इतिहास को और ये इतने लंबे इतिहास को इतने कम समय में आपके सामने प्रस्तुत करना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375, उसके पश्चात मध्यकाल संवत 1375 से लेकर 1900 तक, और आधुनिक काल संवत 1900 से लेकर आज तक। आदिकाल के अंतर्गत जो साहित्य आता है वह जैन साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है, सिद्ध साहित्य आता है, रासो साहित्य आता है और वीर काव्य आता है। इस कालखंड की पृष्ठभूमि अलग है, परिस्थिति अलग है, लेकिन फिर भी हरेक धर्मगुरुओं ने, समाज सुधारकों ने समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, धर्म की वास्तविकता को सबके सामने रखने के लिए बहुत प्रयास किए। उसमें से हैं महावीर स्वामी, उसके पश्चात आते हैं गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ। इन्होंने समाज को सत्य की ओर लेकर जाने का प्रयास किया। उसके बाद आता मध्यकाल। मध्यकाल के अंतर्गत दो भाग किए गए हैं, नंबर एक उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत सगुण काव्य और निर्गुण काव्य, जिसके अंतर्गत आता भक्ति काल, जिसमें हम आगे विस्तार के साथ देखेंगे, और आधुनिक काल के अंतर्गत अंग्रेजों का कालखंड आता है जो संघर्ष का कालखंड है। आदिकाल 1050 से लेकर 1375, इस हिंदी साहित्य के 1050 से लेकर 1375 के कालखंड को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीर गाथा काल नाम दिया। रामकुमार वर्मा जी ने इस कालखंड को चारण काल के नाम से जाना। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड को आरंभिक काल कहा, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल के नाम से अभिहित किया। मध्यकाल, मध्यकाल आता 1375 से लेकर 1900 तक। इसको दो भागों में विभाजित किया है, एक है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल, इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक है सगुण काव्यधारा और दूसरी है निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आते ज्ञानश्री शाखा, और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो धाराएं आती हैं, नंबर एक संत काव्यधारा और दूसरी है सूफी काव्यधारा। और सगुण काव्यधारा के अंतर्गत दो धाराएं हैं, वह हैं राम काव्यधारा और दूसरी है कृष्ण काव्यधारा। ये कालखंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही नहीं, संपूर्ण भारतीय कालखंड के अंतर्गत स्वर्ण युग का कालखंड कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंड के अंतर्गत संत कबीरदास जी आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, मीराबाई आती हैं और सूरदास जी आते हैं। संत कबीरदास जी ने तत्कालीन समय में चल रही रूढ़ी प्रथा परंपरा, इसको
समाप्त करने की कोशिश की, प्रयास किया। बस उनकी भाषा में थोड़ा बहुत टीकापन था, अक्कड़पन था, मस्त मौलापन था। इसलिए हिंदू और मुस्लिम, इन दो धर्मों में बटा हुआ समाज इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने हिंदू को भी समझाया और इस्लाम को भी समझाया। हिंदुओं को समझाते समय उन्होंने कहा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयान कोए, ढाई अखर प्रेम का पड़े सो पंडित हो। लेकिन मुस्लिम आज भी वो समझ नहीं पाया उनके भाव को, और हिंदू भी नहीं समझ पाया। अब इस्लाम को समझाते हुए वो कहते हैं, कांकर पात्र जोड़ी के मचित लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार संत कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में ये एकता स्थापित करने के लिए भारतीय समाज को ठीक तरह से चलाने के लिए, रूढ़ी प्रथा परंपरा को समाप्त करने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, वैचारिक संघर्ष किया। लेकिन संत कबीरदास जी को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। इसके पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहता। उसके बाद आते हैं सगुन काव्यधारा। सगुन काव्यधारा के अंतर्गत एक आती है राम काव्यधारा और दूसरी आती है कृष्ण काव्यधारा। भक्ति की धारा दक्षिण से शुरू होती है और उत्तर की तरफ मार्गक्रमण करती है। भक्ति का वृक्ष तो है दक्षिण में लगाया, पौधा दक्षिण में तो लगाया, लेकिन उसका वटवृक्ष बन गया उत्तर में। राम की अनेक कथाओं के माध्यम से लोगों के अंतर्गत भक्ति की भावना उत्तर में जगाई गई। उसके प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा। और लोग इस ग्रंथ को और राम को समझने के लिए, राम की कथाओं को समझने के लिए उसको सर के ऊपर लेकर नाचता है, आनंदित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। और उसके बाद आते हैं कृष्ण काव्यधारा, जो सूरदास जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से और उनके अपनी अन्य कृतियों के माध्यम से कृष्ण का बाल्यकाल से लेकर युवा अवस्था तक का रूप और उनके अंतर्गत आने वाले परिवर्तनों को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। बाल लीलाओं का भी वर्णन किया और कंस मामा को सीख देते समय या समझाते समय उनको युवा अवस्था या प्रौढ़ता उनके अंतर्गत हमको दिखाई देने लगती है। इसके पश्चात हम आते हैं उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत। उत्तर मध्यकाल 1700 से लेकर 1900 तक का आता है। इसमें तीन कालखंड आते हैं या तीन प्रवृत्तियां आती हैं। नंबर एक है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी है रीतिमुक्त काव्यधारा और तीसरी है रीतिबद्ध काव्यधारा। ये तीन प्रवृत्तियां हमको इस कालखंड के अंतर्गत दिखाई देती है। ये परिस्थितियां राजा महाराजाओं की परिस्थितियां हैं, राजा महाराजाओं का कालखंड है, जिसके कारण इसके अंतर्गत श्रृंगारिकता बहुत मात्रा में दिखाई देती है, अलंकारिकता हमको ज्यादा दिखाई देती है। इसके पश्चात हम आते हैं आधुनिक काल तक, संवत 1900 से लेकर अब तक। 1900 का कालखंड भारत के ऊपर बहुत सारे आक्रमणों का कालखंड है, अंग्रेजों के आक्रमण का कालखंड है, जिन्होंने हमारे भारत देश पर 150 साल तक राज किया। तब आते हैं भारतेंदु जी, जिनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अनेक कविताएं लिखी, नाटक लिखे, और उन नाटकों और काव्यों के माध्यम से
जो पहले काव्य था उसको गद्य के अंतर्गत रूपांतरित किया। इसके पहले का साहित्य सामान्य जनों को पढ़ने के लिए कठिन था, पढ़ने के लिए मिलता नहीं था, लेकिन उन सभी विधाओं को उन्होंने गद्य के अंतर्गत रूपांतरित किया और लोगों को पढ़ने का मौका मिलने लगा। यह देन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हमें देखने के लिए मिलती है। भारतेंदु युग जो है इसके अंतर्गत अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग कालखंड है। एक है भारतेंदु जिनका कालखंड 1800 से लेकर 1900 तक का कालखंड है, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक का कालखंड है, छायावादी युग 1920 से लेकर 1936 का कालखंड है, प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 का कालखंड है, प्रयोगवाद 1943 से 1953 का कालखंड है, और नई कविता 1953 से लेकर आज तक का कालखंड है। इसके डिटेल में या इनकी इसकी सूक्ष्म जानकारी हम अगले वीडियो के अंतर्गत आपको हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद के मेरे जो वीडियो आएंगे वो एक एक बिंदु को लेकर, एक एक प्रवृत्ति को लेकर आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कॉमेंट्स करेंगे और आगे के वीडियो बनाने के लिए मुझे सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।